कॉलेज ऐसी थी कि जिसमें 3 कमरे थे, 1 ऑफिस थी और 2 रूम थे बस। कभी हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ ऐसे, ना कोई ड्यूटी हुई, जो पढ़ाई करी सिर्फ अपने खुद से ही की है। इसलिए सर मुझे लगा कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है ना सर, बिल्कुल बेसिक तैयार किया जाता है बच्चे का, और वही ख़राब है तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो इस वजह से मैंने पहले ही सोच लिया था कि अब जब भी करूँगा मैं ऑफलाइन ही जाऊँगा कोचिंग में। हम मतलब पूछ तो वहाँ भी सकते हैं ऑनलाइन में, और यहाँ भी पूछ सकते हैं सर, लेकिन यहाँ जो पता नहीं क्यों सर दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है सर ऑनलाइन की वजह, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऑफलाइन में। आज हम TESL ऑफलाइन स्टूडेंट्स का एक और वीडियो करने जा रहे हैं, वीडियो फीडबैक करने जा रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट कैसे स्टडी कर रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है TESL। तो हमारे साथ हैं रवि कुमार जी सर, और हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी आप रहे हैं। हाँ सर, अभी आप ऑफलाइन ले रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट रहने के बाद जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई कोचिंग तो करे ही नहीं, खाना पूर्ति तो होगी, तो अब ऑफलाइन में कौन सा नया पढ़ा देंगे, है ना, टीचर तो वही है सारी चीज़ें। तो आपने कैसे रस किया कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए, मेरे सवाल सर। मैंने ऑनलाइन किया था, लेकिन सर ऑनलाइन में क्या होता है, कभी कभी फैमिली में कोई काम आ गया या बोल दिया कि अरे भाई ये काम करना है तुमको, ये कर लो, तो सर बिल्कुल भी रेगुलेटरी नहीं होती है और कोचिंग छूट जाती है, और एक भी क्लास छूटने का मतलब है कि बिल्कुल सब बर्बाद होना सर बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने पहले ही सोच लिया था कि अब जब भी करूँगा मैं ऑफलाइन ही जाऊँगा कोचिंग में, इसलिए सर मैंने ऑफलाइन ही प्रेफर किया उसके बाद। जी, तो जैसे ऑनलाइन में आप आए फिर ऑफलाइन में आए, ठीक है, तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों में कोई ऐसा फ़र्क है, पढ़ाने की नहीं बात कर, ऐसा फ़र्क है कि ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आता है या ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में आता है, ऐसा कुछ फ़र्क है क्या? हाँ सर, ऑफलाइन में बिल्कुल ज़्यादा समझ में आता है सर। कभी कभी क्या होता है कि सर हम मतलब पूछ तो वहाँ भी सकते हैं ऑनलाइन में, और यहाँ भी पूछ सकते हैं सर, लेकिन यहाँ जो पता नहीं क्यों सर दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है सर ऑनलाइन की वजह, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऑफलाइन में। ठीक है, तो देखिए जैसे जनरली क्या होता है कि ऑफलाइन की फीस भी बहुत महंगी होती है ऑनलाइन की तुलना में, ये एक प्रॉब्लम है, और ये इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है वो स्टूडेंट को ऑब्वियसली पे तो करनी ही होती है। ठीक है, आप इतनी दूर से यहाँ पे आ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सारी चीज़ें देख रहे हो, तो टीचर आपके पहले के देखे हुए थे, अभी भी आपके देखे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी चीज़ को दो बार पढ़े तो दो चीज़ें हो सकती है उसके दिमाग, एक तो ऐसा लगता है कि यार मैंने पढ़ी हुई है क्यों ही पढ़ना ध्यान क्यों दें, दूसरा ऐसा कि भाई मैंने पढ़ी हुई है मैंने स्टडी भी की है और देखना आपकी बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोनों में से कौन सी स्थिति आपके साथ? ये सर मेरा क्या सर बेस बिल्कुल ही ख़राब था, क्योंकि सर मेरा काउंसलिंग से नंबर आया था अजमेर में, तो लेकिन वो सर कॉलेज ऐसी थी कि जिसमें 3 कमरे थे, 1 ऑफिस थी और 2 रूम थे बस। कभी हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ ऐसे, ना कोई ड्यूटी हुई, जो पढ़ाई करी सिर्फ अपने खुद से ही की है, इसलिए सर मुझे लगा कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है ना सर बिल्कुल बेसिक तैयार किया जाता है बच्चे का, और वही ख़राब है तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी, और वो मेरा बिल्कुल ही ख़राब था। तो इसलिए मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है सर पढ़ने में कि सब कुछ एक छोटी से छोटी चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ रही है। देखिए जब ये आपकी थ्योरी क्लियर हो रही है, जैसे ये सब सब्जेक्ट्स की क्लियर होगी, ठीक है, फिर आप इसको रिवीजन करोगे, जब कंपाइल करोगे 4 रिवीजन कम से कम हो जाएंगे तो जाके सिलेक्शन निकल जाएगा, तब तक हिम्मत रखनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे आप कुछ ऐसी बातें बताइए, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें बताइए कि जो एक ही बात लाइन में बात बोलनी पड़े कि क्या बेस्ट चीज़ यहाँ की लगी कि जिस पे स्टूडेंट को बिलीव करना चाहिए और एडमिशन लेना चाहिए। सर मुझे सबसे अच्छा यहाँ ये लगता है कि सर जो भी पढ़ाया जाता है ना सर वो अगले दिन पूछा ही जाता है, और अगर नहीं पूछोगे तो आपको डांटेंगे भी और बोल भी देंगे कि क्लास से बाहर भी निकाल देंगे सर। तो वो जो चीज़ पढ़ा दी गई है ना उसको डेफिनेटली एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करा दी जाती है, जिससे उसका जो बेस है ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है सर। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है सर इस कोचिंग की सर। तो मतलब किसी स्टूडेंट को 100% डाउट क्लियर करने हो तो TESL ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है सर बिल्कुल, मैं उनको कहूँगा, मैंने अपने दोस्तों से कहा भी है, लेकिन पता नहीं क्यों भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि सब राजस्थान से हैं, तो कोई या तो दूसरी कोचिंग जयपुर में ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ मैं, कि जिससे उनको समझ आए कि हाँ कि मैंने जिस कोचिंग से की है वो क्या है कोचिंग। देखिए वैसे समझाने की बात तो ऐसी है कि हम ये जो वीडियो कर रहे हैं इसका पर्पज़ यही है कि रियलिटी दूसरे लोगों के सामने जाए, और जो आप बोल रहे हो कि मैं सिलेक्शन लग के मैसेज जाएगा, है ना,
देखिए एक्चुअल में हमारा वो टारगेट नहीं है कि सिलेक्शन लग के हमें मैसेज देना, हमें पहले खुद का देखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग का भी नहीं देखना, पहले खुद का देखना। आप मेहनत करेंगे, जो पढ़ा है उसको डेली मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वहां तक जाएंगे, क्योंकि ना तो एग्जामिनर की हमारे से दुश्मनी ना किसी और चीज की दुश्मनी, ठीक है। परिवार हमें सपोर्ट कर ही रहा है, पढ़ रहे हैं, कोचिंग ठीक है, तो कितना टाइम लग जाए, हद मान के एक साल लग जाएगा, किसी ज्यादा लगे जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो फॉलो करेंगे, टेस्ट रेगुलर देंगे, ठीक है। उसमें से हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, उसके कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से पूछेंगे, और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि सब्जेक्ट टीचर आपको 100% उसका सॉल्यूशन देगा। कुल मिला की बात है कि किसी भी तरह की क्वेरी आपके अनसॉल्व नहीं रहेगी यदि आप ऑफलाइन में, तो ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप सिलेक्शन लेंगे और विद इन वन ईयर के अंदर कहीं कहीं ना कहीं ऑफिसर बन जाए। इसी बेस्ट के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर।